ये TET CDP का ये Part 3 MCQs का ये चल रहा है। 68 वाला क्वेश्चन है कि तुलबा में मेहनत की अजमत का फरो देने के लिए मुदर्रिस अपनी मेहनत के रुझान को बताए या मुदर्रिस मेहनत की अहमियत पर तकरीर करे, वक्त ब वक्त तुलबा को मेहनत करने के मौके फराहम करे या तुलबा को मेहनत करने वाले लोगों की मिसालें दे। तो कौन सा होना चाहिए? फोर्थ उसका है थर्ड वाला। देखिए मेहनत का अजमत का मेहनत तो अजमत को फरोग देना है, तो वक्त ब वक्त तलबा को मेहनत करने के ऐसे मौके फराहम करें जिसमें उनकी स्किल्स और यानी कि मेहनत होती रही तो ये प्रैक्टिकल हो जाए। और मिसालें देना ये क्या हो जाएगा कि एक सिर्फ मिसाल ले देना, उसका असर किसी पे पड़ेगा किसी पे नहीं पड़ेगा, तो फरोग जज्बा नहीं पाएंगे, वो एक दिन का रहेगा सिर्फ मोटिवेशन इस वजह से। और मेहनत का मौका है क्योंकि प्रैक्टिकल आ गया, पहले ऑप्शन देखना है। मेहनत की अहमियत पर तकरीर भी नहीं और रुझान को भी नहीं बताना इस हिसाब से। अब नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, इक्तसादी जुमरों में बच्चों की तरक्की का बयान क्या जाता है, इसमें से क्या किया जाता है? तो इक्तसादी जुमरों में बच्चों की तरक्की का बयान, इंसानी काबिलियत व अहलियत में तब्दीली का मुशाहिदा करना कहा जाता है, या जिंदगी गुजारने के मौके के वक्त कारोबार की तारीफ को तलाश करना कहा जाता है, या बच्चों का बालक बालिक और बुजुर्गों के साथ तकाबुल यानी मुकाबला करना, ये किसी भी बच्चे की इल्मी सामाजिक और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज तरक्की के बारे में ही जवाब देना जवाबदेही बयान अपनी तरक्की के बारे में चलता क्या कहा जाता है, कहा जाता है मैं आएंगे। शायद बच्चे तरक्की देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, किसी किसी भी बच्चे की इल्मी सामाजिक और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज तरक्की बारे में जवाबदेही क्या है? ये आएगा, ये आ जाएगा कि इक्तसाबी एक्विजिशन वाले जुमरों में बच्चों की तरक्की का ऐसा बयान, तो बयान की बात कर रहे हैं तो बयान क्या होगा, जवाबदेही बयान में आएगा। जवाबदेही किसकी, जिसमें इल्म और समाजी और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज तरक्की के बारे में, बच्चों का बाले और बुजुर्गों के साथ तकाबुल कराना, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको बुजुर्गों के साथ मुकाबला करवाया जाए? तो ये नहीं है। जिंदगी गुजारने के मौके के वक्त कारोबार की तारीफ को तलाश करना, जिंदगी गुजारने के मौके के वक्त में कारोबार की तारीफ क्या है ये पूछना, ये उसका बयान नहीं है तरक्की वाली, ना ही इंसानी काबिलियत तो अहलियत में तब्दीली का मुशाहिदा करना, क्यों बच्चा तब्दीली का मुशाहिदा नहीं कर सकेगा, तो इसलिए फोर्थ है कि उसकी जवाबदेही क्या है, फीडबैक इल्मी समाजी और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज। तानवी मदरसिन के लिए, ये मुदर्रिसिन के लिए बच्चों के नफसियात का इल्म होना जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये मुंसबित करने में मदद करती है, इम्तिहान के नतायज में तरक्की होती है, बच्चों को हौसला और तरबियत देने का सहूलत बख्श ये एक रास्ता है, ये बच्चों के कारोबार को समझने के लिए मुदर्रिसिन को मदद मिलती है। पहचान कप्तान जी, और एक होता है प्राइमरी होता है मदरसा है तैतानिया ऐसा, और तैतानवी में ज्यादातर ऐसी चीज आती थी सानवी तैतानवी। तो क्या आ सकता है इसका? फोर्थ ऑप्शन फोर्थ मतलब जूनियर कह सकते हैं, जूनियर टीचर बच्चों को, तैतानी मदरसे मतलब जूनियर टीचर को। को हौसला और तरबियत देने की सहूलत बख्श रास्ता 70 का है फोर्थ वाला। बच्चों के कारोबार को समझने के लिए ये कैसा हो रहा है सर, होना जरूरी है क्योंकि बच्चों सवाल कौन सा है, उसी लाइन का है क्या, वो देखना है पहले।
उसी के हिसाब से हम पहले इसको पढ़े हैं कि तैतानवी जूनियर जो टीचर्स हैं, बच्चों के नफ्सियात का इल्म होना जरूरी है क्योंकि बच्चों को मुंजमित करने में मदद मिलती है। मुंजमित मतलब क्या हो रहा है, डिसिप्लिन में लाने की, नज्म जब्त में मदद मिलती है तो क्या नफ्सियात से मिलती है तो नहीं मिलती। इम्तिहान के नतज में तरक्की होती है, इम्तिहान के नतज में रिजल्ट में तरक्की होना क्या इसलिए नफ्सियात का होना जरूरी तो नहीं। बच्चों को हौसला और तरगीब देने का सहूलत बख्श रास्ता होता है ये, हौसला और तरगीब देने, और बच्चों के कारोबार तो बच्चों का कारोबार ही नहीं होता तो ये होना चाहिए थर्ड, कि उसमें बच्चों को हौसला और तरगीब देने का सहूलत बख्श ये रास्ता है। हाँ, कारोबार कैसे होगा बच्चों का, तो कॉलेज अगर कारोबार ना होता, अगर हो सकता है कि डीटीपी में मिस्टेक है कि वो इल्म को या फिर तालीम को समझने के लिए मदद मिल रही है या फिर नफ्सियात को समझने के लिए, कारोबार की जगह नफ्सियात आ रहे हैं कि बच्चों की नफ्सियात को समझने के लिए मिल रही है मदद, तो तब वो नफ्सियात का इल्म होना जरूरी है क्योंकि हौसले से ज्यादा फिर इस पर आ जाएंगे हाँ तो सर यहाँ नफ्सियात होना चाहिए, सही और नहीं है तो आ ये आ जाएगा। जाएंगे। नेक्स्ट है, तुलबा को गैर जरूरी कारोबार के बारे में। अब फिर से कारोबार आया तो यानी काम आना चाहिए फिर कारोबार के अलावा। क्या तुलबा को गैर जरूरी कारोबार के बारे में इसे हटाने का सबसे मौसर तरीका कौन सा है? सजा देना, यानी गैर जरूरी काम, इसको भी काम लेना है और इसको भी काम समझ लेना है, या मशगला समझ लेना है, कारोबार मतलब मशगला, वो शायद उन्होंने कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश की होंगे तो मशगले को काम में कन्वर्ट हो गया कारोबार, तो ये मशगले में समझने के लिए मदरसे से, तो इस वजह से ये सही हो जाएंगे, और इसको मशगला समझते हैं, गैर जरूरी मशगला। उसके बारे में से अगर हटाना है यानी कि खराब कोई काम कर रहा है तो मौसर तरीका सजा देना, सरपरस्तों की नजर में ला देना, गैर जरूरी कारोबार में मजबूरी की वजह तलाश करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, उनकी तरफ लापरवाही। थर्ड तो थर्ड, तो 71 का थर्ड बिल्कुल सही है, अब बराबर। नेक्स्ट है, टीचर्स डे के बारे में तुलबा ने आपको मुबारकबाद भेजी, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उनका शुक्रिया बोलेंगे, थैंक यू, अपना वक्त तो जाया नहीं करेंगे, ऐसा लिखेंगे, डोंट वेस्ट माय वाला टाइम, इन्हें दोबारा इन्हें दोबारा मुबारकबाद हमारा बात देंगे। है, सेम टू यू, तुमको भी टीचर दे मोबाइल, क्या करेंगे? तो सेकेंड होना चाहिए इस हिसाब से, शुक्रिया। तो हाँ हम देखते हैं, 72 का सेकेंड है, हाँ अब कोई हैप्पी क्रिसमस कहा तो क्या कहेंगे? हाँ अब कोई कोई सेम टू ही बोल रही है तो मतलब वो भी वही बोल रहा है, उसका अकीदा। तो करके कुछ सर ऐसी चीजें होती है कि किसी उससे किसी फर्स्ट का जो करेंगे मजहब उसको है भी नहीं उसमें वो करेंगे जो समझ रहा है, जैसे कोई अगर बोल रहा है पहले सुन उसको। देना है पूरा, अगर कोई समझ लो नमस्ते ये वो कुछ बोल रहा है तो उसमें ये चीज आ जा रही है कि मैं तुम्हारे पैर पर, तो उसका जो नजरिया अकीदा वो ये है, आप उसको भी वही चीज बोलेंगे तो इसका मिसाल ये यहाँ आ रही है कि दोबारा अगर आप वही अल्फाज दोहराएंगे तो मतलब आप भी वही चीज कर रहे हो, तो सेम चीज को आप उसको दोबारा कभी कभार नहीं आते, ईद मुबारक इसमें मतलब तो सेम को ही मतलब ठीक है तुमको, शादी मुबारक आपको भी मुबारक, ठीक है। तो मतलब शुक्रिया का अल्फाज का इस्तेमाल करना उसके ऊपर ये चीज, हाँ आप कही क्या बोल रहे, कोई रहता है हाँ वही कुछ बोल। नहीं नेक्स्ट है, तो कुछ नहीं करेंगे तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, उसको लगेगा ये बहुत खड़ूस है, अगली बार से क्या करेगा। हाँ, करेंगे तो कभी कभार जैसा, हाँ उस सिचुएशन तो आप उसको कह सकते हैं गुड आफ्टरनून, गुड सर। आपने बोले मॉर्निंग, शादी मुबारक, तो उसमें कुछ नहीं उसमें करेंगे। थैंक यू बोलना है ना, शादी मुबारक तो थैंक यू, उसके बाद में क्रिसमस आ गया तो फिर आप उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुतले जैसा खड़े रहे, तो आप मतलब एक बस उसके कुछ मुस्कुरा सकते हैं, कुछ चीज कर सकते हैं, मगर अल्फाज वैसे ना निकले, कुछ नहीं करें बोले तो मुस्कुराएंगे जरूर, ऐसी बात। नेक्स्ट है कि जब कोई तालिब इल्म नाकाम होता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि तरीके निजाम नाकाम और नाफिस है, तो जब कोई तालिब इल्म नाकाम होता है, अगर फेल होता है, तो उससे मान लिया जाता है कि तरीके निजाम नाकाम और नाफिस है, दूसरा कि उस्ताद नाकाम है, दरसी किताबें नाकाम है, ये शख्सी नाकामी है, क्या होगा? सर इफ चिल्ड्रन फेल्स सर इट मीन्स सिस्टम फेल्स, तो क्या होगा? 73 का हो रहा है, ये गलत है,
इसमें आना चाहिए कि तरीके निजाम नाफा मुनाफे की। अभी क्या बोला गया है कि अगर बच्चे फेल हो गए मतलब सिस्टम फेल हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर बच्चा फेल होता तो मतलब सिस्टम की गलती, सिस्टम फेल हो जाता है ऐसा नहीं है। नहीं पॉजिटिव में बताया रहे तो बता बच्चा जैसे फेल हो गया तो ऐसा मान लिया जाता है कि तरीका निजाम नाकाम नाफिस है, क्यों निजाम ने नहीं उसको करवा पाया। उस्ताद नाकाम ये नहीं होगा, ना दरसी किताबें, ना ये शख्स की रहे नाकामी, ये भी नहीं होगी, हैं फर्स्ट होगा इस तरह। तो उसका जवाब गलत दिया होगा ऐसा। नेक्स्ट है, किसी भी तालिबे इल्म की सबसे अहम खूबी क्या होती है? कोई भी तालिबे इल्म की सबसे अहम खूबी, जवाबदेही का एहसास, यानी के जो जिसने जवाब दिया उसका एहसास अच्छा या बुरा, ईमानदारी, शराकत तो ताउन, नहीं शिरकतदारी उसकी, या हुक्म बरदारी, हुक्म मान अहम खूबी। पढ़ता उसका है फोर्थ वाला, हुक्म है बरदारी, मतलब ओबिडेंसी, ओबिडेंट हुक्म, यानी कि मुस्लिम का मतलब भी निकलता फरमा बरदारी एक हिसाब से। तो कोई भी तालिब इल्म हो जाए, तालिब इल्म, तो उसकी खूबी होता है कि ओबिडेंट होता है, जैसे टीचर के उस्ताद उसको मानता है। शराकत तो ताउन, यानी कि पार्टिसिपेशन तो जरूरी है, लेकिन जरूरी में आएगा खूबी में नहीं। खूबी क्या होती है? सिफत। शराकत तो ताउन सिफत नहीं, हुक्म बरदारी सिफत में है। ईमानदार होना, इसमें ईमानदारी मतलब क्या है कि होमवर्क बराबर कर रहा है सब, लेकिन उसको जब पढ़ना ही नहीं आ रहा, डिसलेक्सिया का मरीज है, तो उसको फिर वो ऐसा नहीं है कि बेईमान हो गया जिसने होमवर्क ही नहीं किया। उसकी जो तशखीस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके हिसाब से मौलिजाती तालीम करना जरूरी है। तो इस हिसाब से हुक्म बरदारी है, खूबी सिफत यानी हुक्म बरदारी में आ रही है। नेक्स्ट है, आप क्लास में एक बाब सिखा रहे चैप्टर, उस वक्त तुलबा ने मजमून से गैर मुतालिक सवाल पूछ लिया, तो आप क्या करें? के मिसाल के तौर पर सीडी भी चल रहा है, किसी ने पूछा कि ईवीएस में ऐसा था सवाल, तो आप क्या करेंगे? उससे गैर मुतालिक सवाल पूछने की इजाजत देंगे कि हाँ ठीक है आप पूछ सकते हैं, उससे गैर मुतालिक सवाल पूछने की इजाजत नहीं देंगे कि मत पूछो, नज्म व नस्क के खिलाफ वर्जी समझ कर सजा देंगे तुम्हारी, पीरियड के बाद सवाल का जवाब दे देंगे? ऑप्शन फोर्थ पर देखेंगे 75 का, उसका आएगा फोर्थ। अब जैसे कि ये चल रहा है सीडी, अब कोई पूछ लेगा कि ईवीएस में ऐसा था, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? कि थोड़े से सवाल खत्म होने दो, आपका जवाब देंगे। ऐसा नहीं बोलना है कि ऐसा कैसे पूछ लिया, या फिर ये छोड़कर वहां चलेगा ट्रैक पर, ईवीएस चल रहा है, फिर साइंस का सवाल पूछ रहे, तो आपका तो तरीका ही नहीं होगा मतलब पूरा पढ़ाने का, तो इस वजह से उसको बाद में। और इससे पहले इसके बेस पे क्या सवाल आया था कि अगर आपको कुछ चीज का जवाब नहीं मालूम है, सपोज आप पूछा है लेकिन मैं मालूम नहीं, तो क्या करना है कि पहले उसके तो मालूम हासिल करना है, आपको फिर फिर जवाब देना, लेकिन टाल मटोल नहीं करना है इस हिसाब से। नेक्स्ट है कि तहतानवी सतह पर तालीम मादरी जुबान में देना अच्छा है, यानी कि जूनियर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर तालीम मादरी जुबान में देना अच्छा है, क्योंकि बच्चों की खुद एतमादी को फरोग मिलता है, सेल्फ एस्टीम में फरोग, इक्तसाब में आसानी, एक्विजिशन में ईजी होता है, जहनी तरक्की में मदद मिलती है उसको, या फिर बच्चों को कुदरती माहौल में तालीम हासिल करने में मदद मिलती है। फोर्थ सर तो 76 का हम चेक करते हैं, उसका है फोर्थ वाला सही है। क्यों सही है? कुदरती माहौल या तबई माहौल, यानी कि उसका एक्विजिशन, उसकी मदर टंग वो है, तो उस हिसाब से उसको तालीम हासिल करने में मदद मिलेगी मादरी जबान। जहनी तरक्की में मदद क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जुबान है, इससे डेवलप मतलब उसका आईक्यू लेवल बढ़ने का कोई चीज नहीं है। इक्तसाब में तो आसानी पैदा हो सकती है, ये क्यों नहीं हुआ? इक्तसाब हासिल करना, सर इक्तसाब डायरेक्ट हो जाता है मदर टंग, और सीखना टारगेट लैंग्वेज होता है। इस वजह से बच्चों की खुद एतमादी को फरोग मिलेगा, तो खुद एतमादी के लिए नहीं कर रहे, मोटो ये है कि उसको तालीम हासिल करें। जमात तख्ते सियाह पर लिखते वक्त में जमात में सबसे ज्यादा अहम बात कौन सी है? अच्छे हरूफ लिखना, तहरीर वाजे होना, बड़े हरूफ लिखना, छोटे हरूफ में लिखना। ऑप्शन वन कुछ 77 का है फर्स्ट, अच्छे हरूफ,
उर्फ को अच्छे बनाना है। अब सपोज उर्फ का है को आपने इसमें मेट दिया तो सुरुफ भी कराए, सर तो वैसा नहीं। तहरीर वाजे होना मतलब मुराद क्या है कि दिख तो रहा है लेकिन लिखा हुआ नहीं, हरूफ अच्छा नहीं निकाला। वाजे मतलब दिख रहा है लेकिन अच्छे हरूफ होना चाहिए, बड़े हरूफ में लिखना है नहीं, अननेसेसरी। सबको दिख रहा है तो एकदम बड़ा कि एक ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ आप एक सवाल लिख पा रहे हैं एक बार में। छोटे हरूफ में लिखना कि इतने छोटे भी नहीं कि डिसलेक्सिया या जिसको पढ़ने में क्षमता है उसको प्रॉब्लम हो। आपकी क्लास में एक तालिब इल्म देर से आता है, आपके क्लास में एक तालिब इल्म ये देर से आता है, तो आप उसके सरपरस्त को आगाह करेंगे, उसको सजा देंगे या वजह पूछने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे? ऑप्शन तो 78 का थर्ड मालेगांव गए थे, वो सवाल क्या कर रहे थे पूछ सकते हैं, छोड़ने वाला कोई नहीं था इस तरह से। छोड़ने वाले कोई नहीं था हमको हाँ, स्कूल में तुलबा को किस तरह आमादा करना मुनासिब सेकंड है? मुंतखब शुदा सबक के जरिए, मौका जाति सेकंड इक्तसाब के जरिए, मुफस्सिल इक्तसाब। अब पहले तो ये आपको जानना है सब, मुफस्सिल क्या है? दो तरह के ईमान होते हैं, ईमान के दो किस्म होते हैं, मुजम्मिल और ईमान मुफस्सिल। मुफस्सिल तफसील आगे, और मुफस्सिल इक्तसाब मतलब तफसील से इक्तसाब होना। तर्जुमे के जरिए तर्जुमानी, खुलासा करके मुंतखब शुदा सबक जो में इंतखाब किए हुए। तो तुलबा को किस तरह ऑप्शन थर्ड मुफस्सिल इक्तसाब, क्या तफसील शुदा नहीं जो हासिल किया, मौका जाते इक्तसाब नहीं, तो ये इसका थर्ड सही है, मुफस्सिल चाहिए इक्तसाब के जरिए। 80 के तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? तुलबा को पेशे के लिहाज से माहिर बनाना या समाजी बेदारी? सेकंड तो सेकंड है, वाला समाजी बेदारी, इसलिए उसमें वो डॉट डॉट था क्योंकि समाजी बेदारी उसका जवाब था। और नीचे भी ऑप्शन है वैसे, तुलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करना। अब अगर काउंसिल के जरिए देखा जाए भारत की हुकूमत के हिसाब से, तो इम्तिहान के लिए तैयार करना है, तो नहीं आप दो में से कौन समाज सा होगा? चेक कर लेंगे उसको। 80 का है फोर्थ। कारोबारी अब फोर्थ क्या है? जिंदगी एम ऑफ एजुकेशन हम यहाँ डालकर गूगल से पूछते हैं ये सवाल। वैसे सीटी के लिहाज से देखें तो हम चाहे तरक्की करना है बच्चे की तरह में एजुकेशन शुड बी, देखते हैं। टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ स्किल एंड ट्रेड्स, पैदा करना देखिए उसमें क्या आता है, सोशलाइजेशन पे आता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, मॉरल थिंकिंग। इस हिसाब से ये सवाल ऐसे जो लिख रहे हैं ना उसको ही छोड़ देना है फिलहाल, इम्तिहान के हिसाब से तो ये उसमें आता है कौमी काउंसिल। कारोबारी जिंदगी के लिए तुलबा को तैयार करना पेशा, ये तो दोनों का मतलब यही था, तो इस वजह से आप क्या लेंगे, थर्ड ले लेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं कि ऐसी सतह जिसमें बच्चे किसी वाकये या किसी चीज के बारे में तहकीकी नजरिए नुक्ते नजर से गौर करना शुरू करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी सतह, ऐसा लेवल जिसमें बच्चे किसी वाकये या चीज के बारे में तहकीकी नजरिए से रिसर्च के हिसाब से गौर करना शुरू करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो कौन सा रहना जिम्मेदार रहना हालत, फोर्थ हाली हालत, फाल हालत से कब या फिर ठोस वाली? ऑप्शन फोर्थ सर फोर्थ 81 का है फोर्थ वाला, फोर्थ क्या? ठोस फाली हालत मतलब कंक्रीट टाइप में, मतलब प्याजे वाला तो नहीं है लेकिन जैसा पढ़ रहे हैं, स्किल जिम्मेदाराना फाली हालत से कब। हाँ, प्याजे के हिसाब से ही, गैर गैर फाली जब हम बोलते हैं फालत हालत से कब, तो सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 फाल करने से कब। अब समझते हैं ठोस फाली में क्या था, कंक्रीट ऑपरेशन जिसमें क्या होता है कि वाकई चीज के बारे में तहे से नजर से गौर करना शुरू कर देता है, जिसमें किसी
टीसीएस जो सीख लेता है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन सीख इसीलिए लेता है, तो ठोस पाली हालत इसलिए आ रही है। और रस्में पाली यानी फॉर्मल हाइपोथेटिकल के मतलब आप इसमें इमेजिनेटिव वे और क्या है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये सारी चीजें। जिम्मेदारन हालत फिर कौन सी हो रही है, प्री ऑपरेशन। क्या चीजें खुद से करने की कोशिश करता है इस तरह। अब नेक्स्ट है, बच्चों की इल्म फरोख की हालत को वाजह तौर पर किसके जरिए पहचाना जाए। इल्म फरोख की हालत, गोलबर्ग, कौन एरिक्सन, स्किनर या प्याजे। स्किनर स्किनर तो ऑप्शन थर्ड 82 का हम देखते हैं उसका है फोर्थ। प्याजे तो ये उसी तरह से, क्योंकि ये ऊपर का उसी तरह से आया था। ये सवाल बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा माहिर नक्शा, इतना नक्शे आते माहिर नक्शिया, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इल्म फरोख की हालत। तो ये जो ऊपर पूछा था ये हालत है, ये हालत है ना ये पूरे, तो किसके, ये प्याजे के, तो यही हालतों का पूछ रहा था कि इल्म फरोख की हालत है वाजह तौर पर प्याजे के हिसाब से। याद रखना, जवान बच्चों के एहतसाबी अमल में सरपरस्तों की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए। उनकी राय को तस्लीम करना, उन पर दबाव डालना, ये तो नेगेटिव हो गया। खेलकूद पर पाबंदी लगाना, ये भी पहला नेगेटिव हो गया। एतमाद में ना रहना, नेगेटिव। तो क्या पहला है, दूसरा क्योंकि राय को तस्लीम करना है जिम्मेदारी। तो ये गलत इसमें बताया जा रहा है, इस पे राय को तस्लीम करना। करके क्या है कि बुक्स को इसलिए फॉलो नहीं किया जाता, बुक्स में बहुत ज्यादा कंटेंट गलत भी सब जाता है। तो जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, राय को तस्लीम करने पॉजिटिव। बच्चों की इल्मे फरोख ज्यादा अच्छे तरीके से कहाँ से की जा सकती है, खेल के मैदान से, स्कूल और जमात से, असेंबली हॉल में या घर में। तो सेकंड अच्छी तरह 84 का है सेकंड, स्कूल और जमात, अच्छे तरीके से स्कूल और जमात। किसको तरगीबी तालीम का एक इशारे के तौर पर बयान किया जाता है। क्लास में ज्यादा से ज्यादा हाजिरी होना, क्या ये तरगीबी तालीम है। उस्ताद के जरिए किया गया मौलजाती काम को, ये तलबा के जरिए पूछे गए सवाल को, ये जमात में मुकम्मल तौर पर खामोश है। तो सर 85 का फर्स्ट आ रहा है तरगीबी ऑप्शन तालीम। तरगीब क्लास तालीम को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो में हम जा इसको देखते हैं, प्रोग्रेसिव रहे एजुकेशन क्या है। एक्सपीरियंस हैं क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए जो सोचता है। तो इस हिसाब से जैसे ये तो किताब के हिसाब से गलत है, तो तलबा के जरिए कोई पूछे गए सवाल तो ये रहेंगे। कोई निचली क्लास में खेल की तालीम का तरीका किस पर मुनसिर होता है। लोअर लेवल पे, हाँ, प्राइमरी क्लासेस में खेल की तालीम का तरीका, जिस्मानी तालीम के प्रोग्राम के उसूलों पर, तालीमी निजाम के उसूलों पर, फरोग और पुख्तगी इस्तेहकाम, इसके नफसियाती उसूलों पर, या तालीम के समाजी उसूलों पर। उसमें उसका है थर्ड। पर देखिए, निचली तालीम में खेल की तालीम का तरीका, तो तालीम में निजाम के उसूल नहीं रहेगा क्योंकि खेल की तालीम है। जिस्मानी तालीम के प्रोग्रामों के उसूल, ऐसा लग सकता है कि खेल है तो पीटी वगैरह, ऐसा लग सकता है उसूल पर। लेकिन फरोख पुख्तगी, पुख्तगी मतलब क्या, मैचुरेशन, हाँ, इस्तेहकाम के नफसियाती उसूलों पर, और तालीम के समाजी, साइकोलॉजिकल तो समाजी तो नहीं है। हाँ, तो इसको तो डायरेक्ट अभी छोड़ देना, ये सवाल ये वाला। डिसलेक्सिया से क्या मुराद है, दिमागी तब्दीली, रियाजियाती तब्दीली, मुताला, कारोबारी। इफेक्ट उसका आ रहा है थर्ड, मुताला, पढ़ने से, पढ़ना, पठन, मुताला, ये तीनों एक ही चीज है। तो इस हिसाब से रियाजियाती तब्दीली ये नहीं होगा। क्या हाँ, दिमागी न्यूरोलॉजिकल होता है सब,
सवालात का पैटर्न भी असल में क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं। और ये कारोबारी मतलब मजगला जो हमने देखा था, तो ये मुताल्ला सही है, लेकिन दूसरा सवाल ऐसे नहीं आने चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को खास नोयत की तालीम देने के लिए कौन सी सहूलत मुहैया करना चाहिए? जरूरतमंद बच्चों को खास नोयत की तालीम, स्पेशल जो एजुकेशन होता है, दीगर आम बच्चों के साथ इंक्लूसिवनेस में, खास स्कूलों में मखसूस, ये अलायदा हो गया। खास हाई स्कूल, ये भी अलायदा, खास खास पूरा अलायदा हो गया। तो फर्स्ट 88, इसका फर्स्ट सही जवाब। इक्तसाब के अमल में तरगीब कौन सी होती है? सीखने वालों की याददाश्त को तेज करती है, नए इक्तसाब को पुराने इक्तसाब से अलाहिदा करती है, अलाहिदगी, एक सिमती नोयत से गौर और खोज करने की सलाहियत को कहते हैं, कि नए सीखने वालों में इक्तसाब की दिलचस्पी। तो 89 का फोर्थ बिल्कुल सही, नए सीखने वालों में इक्तसाब की दिलचस्पी। जमात के पंजों में करीब नजरी वाले बच्चे को क्या कहते हैं? करीब नजरी, गैर जिम्मेदारी के काम करे तो भी माफ करना मुनासिब है, गैर जिम्मेदारी वाले अगर काम करे तो भी। उसके रोजमर्रा के कामों में उसके वालिदैन और दोस्तों को मदद करना चाहिए, रोज के कामों में, या क्लास में आम बढ़ता उसके साथ किया जाए, और समय सीडी के तवस्त से उसकी मदद की जाए, सुनने तीसरा वाले आलत से, क्लास है क्योंकि में खास बर्ताव किया जाए। वो 90 का है थर्ड, थर्ड है आम बर्ताव और समय, यानी सुनना, उसको दिखता नहीं है करीब नजरी, यानी दूर से नहीं दिखता, तो फिर उसको थोड़ा सा आलात ऐसे जो ऑडियो वाले हो, विजुअल में प्रॉब्लम है उसके बाद ये पर होता। अच्छा तो क्या है कि क्लास में तुलबा की दिलचस्पी को कायम रखने के लिए मुदरिस को क्या मुनासिब है? तख्ते सिया पर लिखना, बहस करना, कहानी सुनाना, सवाल पूछ। सवाल पूछना चाहते तो 91 का क्या है? फोर्थ है, सवाल पूछना, दिलचस्पी कायम रहे हैं। कोई टॉपिक पर डिस्कशन। अब देखिए इसमें बहस करना क्या है, कि बहस करना ये अलग हो गया टॉपिक, डिस्कशन अच्छा लेकर, डिस्कशन में कोई टॉपिक रहेगा, लेकिन दिलचस्पी को कायम रखना, यानी कि अगर आप कोई जैसे कि पढ़ा रहे, तो लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में पैसे हो जाते हैं, जब आप सवाल करते हैं बीच में, तो बच्चों की दिलचस्पी उसमें बरकरार रहेगी, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आए, तो इसलिए सवाल पूछना है आपका। नेक्स्ट है कि तुलबा को स्कूल में खेलना क्यों ठीक है? उनको जिस्मानी नोयत से ताकतवर बनाने के लिए, वो उस्ताद के काम आसान कर देते हैं, वो वक्त को बर्बाद करने के लिए फायदेमंद है। वक्त बर्बाद करने मतलब नहीं टाइम पास करना, इससे नहीं तावन मिलेगा और जिस्मानी तवाजन की तरक्की होंगे। नहीं तो उसका फोर्थ सही जवाब, तावन मिलेगा और जिस्मानी तवाजन की तरक्की होंगी। खानदान किसका एक वसीला होता है? गैर रस्मी तालीम, रस्मी रस्मी तालीम के बगैर, ये फासिलाती तालीम, गैर रस्मी तालीम। तो 93 का फर्स्ट, जिसमें किससे याद हो सकता है? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर खानदान के लिए और फॉर्मल बाहर। एक उस्ताद अपने तुलबा में समाजी इकदार को फरोग दे सकता है किस तरह से? बुजुर्ग अशखाज की मालूम देकर, नज्म व जब्त के दर व खौफ को फरोग देकर, मिसाली बढ़ताओ, अच्छी कहानी सुनाकर। अब इसमें क्यों आएगा मिसाली बढ़ताओ? अगर उसमें कभी कभार ऐसे सवाल आता है जो पहले गए, देखिए दो सवाल है, तो सर वो मिसाली किसा होती है ना, मिसाली इंसान का उसके देखो ना नहीं चीज से करी नहीं मिसाली बस काफी बड़ी बनी है हाँ मिसाली बढ़ता है, सर सारी लेकिन जैसे उसमें एक सवाल का एक टाइप बता रहे, ये बोलते देखिए ये हैं वाला, इसमें क्या था? तुलबा में मेहनत की अजमत का फरोग देने के लिए क्या जरूरी है? ये इसमें भी मिसाल देना है, तो इसमें क्या रहेगा? साल देना चाहिए इसमें मिसाल देना नहीं रहेगा, क्योंकि अब सर इसमें ऑप्शन पॉजिटिव ज्यादा है, कि वक्त ब वक्त तुलबा को मेहनत करने का मौका तो डायरेक्ट मिल रहा है, तो आपको सवाल मतलब ऑप्शन अच्छे से देखना है वहां पर, कि सबसे ज्यादा जो मुनासिब तरीन है वो देखना, इसमें ये रहेगा। और अब इसमें जब चूंकि कोई एक्टिविटी की बात नहीं की गई, तो अब ये आएगा मिसाली।
अभी आ जाएगा मिसाली बर्तन। तो 94 का क्या है? थर्ड है मिसाली बर्तन। एक मदरस के लिए सबसे अहम क्या होता है? जमात में नज्म और जब्त को कायम रखना, जमात में वक्त की पाबंदी, तुलबा के मसाइल को हल करना, या एक बेहतरीन मुकर्रर होना। तो बहुत खिताब थर्ड कर रहे हैं, तकरीर करके जा रहे हैं। वाला मसाइल 95 का है थर्ड, को हल जो कि है तुलबा के मसाइल को हल करना। और लीडर के लिए क्या सबसे सही होता है? पॉलिटिकल लीडर के करना लिए एक बेहतरीन मुकर्रर होना। लीडर बोले सही, अभी पॉलिटिकल इलेक्शन का वो वाला लीडर हम क्लास में वो सब सिर्फ भाषण करता है। लीडर हाँ, और उसका अहम जिम्मेदारी तो उसकी मसाइल और आवाम के मसाइल को हल करना होता है, तख्त लेकिन उसके लिए ज्यादा वो करता है तकरीर। तख्ते सियाह पर लिखना तालीम के वसीले के कौन से गुरु के तहत आता है? बसरी समय, बसरी, बसरी और समय कोई नहीं। तो दिखने वाला बसरी 96 का है, सेकंड सही है। मंदरजा जैल में से क्या तदरीसी महारत से मुतालिक होता है? तख्ते सियाह पर लिखना, सवालात हल करना, सवाल पूछना, सब वाला तदरीसी महारत। सब 97 का है फोर्थ वाला, सारे सही जवाब। जो तुलबा क्लास में सवाल पूछते हैं उन्हें क्या करना? क्लास खत्म होने के बाद उस्ताद से मिलने का मशवरा दें, तुम बाहर मिलो, क्लास में बहस में हिस्सा लेने के लिए तरगीब देना, मुसलसल सवाल पूछने के लिए तहरीक देना, आजादाना तौर पर जवाब मालूम करने के लिए तहरीक देना, खुद से तीसरा इंडिपेंडेंट वे में डिपेंड ना रहकर। क्लास किसी को सेकंड लगे, किसी को फोर्थ लगे, किसी को थर्ड। देना 98 का थर्ड, सवाल पूछना। जो सवाल पूछते तो जिज्ञासी होते हैं वो, और वो क्यूरियोसिटी होती है उनमें। तो जो सवाल पूछते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहाँ जाने पे था? ये तहरीक उनको दी जाएंगी और उनको रोका नहीं जाएंगे। इतना सवाल क्यों पूछ ले? तुम्हारा सवाल पूछने की लिमिट खत्म हो गई, टाइम भी इतना था, पर दे आपको इतना सवाल मिलेंगे तो तहरीक दे देंगे। चलो अच्छा है कि आपने पूछा, बोलिए इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आजादाना तौर पर जवाब मालूम करने के लिए तहरीक देंगे, मतलब खुद मालूम करके आओ, खुद मालूम करके हर तरह से, तो उसके मतलब ऐसे निकलेगा। और दो क्यों नहीं हुआ? बहस में हिस्सा लेने के लिए तरगीब। तुम सवाल अच्छे पूछते हो तो क्या करो? एक दूसरे से डिस्कस कर लो, यानी बहस में हिस्सा लेने के लिए तरगीब, क्या आपको बहस से ही चीजें मिल जाएंगी, तो तहरीक उसे दी जाएनी चाहिए इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन तालीमी निजाम को किसने पेश किया था? टीपीएन, स्पिनर ने, प्रोबेल ने, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। ये सर फोर्थ फोर्थ वाला मारिया मारिया मॉन्टेसरी। तो किंडरगार्टन का है 99, उसका है थर्ड, जो कि है प्रोबेल। और फिर मारिया मॉन्टेसरी ने किसको किया है? डिडक्टिव मेथड। ओके, नेक्स्ट है, एक बच्चे के सरपरस्त आपसे कभी स्कूल में मिलने के लिए नहीं आए, ऐसी हालत में क्या करेंगे? बच्चे की तरफ से लापरवाही बरतेंगे, चलो इसके पेरेंट्स तो आते ही नहीं, सरपरस्त को खत लिखेंगे कि सरपरस्त आप कैसे हो, मैं यहाँ खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ, आप खुद उनसे मिलने चले जाएंगे, बच्चे को सजा देंगे। सेकंड भी तो हो सकता है, मतलब ईमेल भी हो सकता है। तो 100 का है थर्ड, खुद मिलने जाए, खुद मिलेंगे मतलब, तो मिलने जाने से मुराद नहीं है, मतलब उनकी मीटिंग लेना इससे मुराद हो जाएगी, और खत मतलब आप बिल्कुल मत आओ ऐसा। तो ईमेल करो, ऐसा नहीं कि खत नहीं चलेगा, खत का मतलब में ईमेल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मतलब खत, और इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक खत। तो यानी वो आ नहीं पाएगा, जब वो आएगा तो खुद मिलेंगे, तो ऐसा लग रहा है मिलने जाएंगे, मिलना मतलब मीटिंग, तो पेरेंट्स मीट जिसका मतलब ये होगा। आप सबक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी और हिस्सा लेने वाले पाल, यानी सक्रिय बच्चे को, एक्टिव जो है, उसको मुनासिब सिम्त में किस तरह से बताएंगे? मुनासिब सिम्त यानी उसको गाइडेंस कैसे करेंगे? सिम्त बताएंगे बिल्कुल शुमाल जुनूब नहीं,
उसे पहली कतार में बताएंगे और उस पर सख्त निगरानी रखेंगे। मेरे सामने बैठो, हलना नहीं, ऊपर उंगली रखो। उसकी क्लास में एक गोशे में जगह मुतय्यन करके उसे बैठने के लिए कहेंगे। अब गोशा मतलब ऐसा नहीं उसको नहीं पर्दा डाल के देंगे, एक सर, गोशा मतलब एक जगह, एक हिस्से में नहीं सर, मुतय्यन करके उसको बैठने कहेंगे कि ओके सर, यहाँ पर हवा अच्छी आती है, नहीं यहाँ सर, बैठो। उसे तख्ता साफ करने जैसे काम देंगे, चलो बोर्ड साफ करो, नहीं सर, और कोई नहीं। तो ओके दिलचस्पी लेने वाले पाल बच्चे को किस चिंत सर, बिठाएंगे? तो देखते हैं, 101 का जवाब है थर्ड। बोर्ड साफ करने तो ये सवाल भी गलत है, बोर्ड साफ भी नहीं कराएंगे। का इंटेलिजेंट हाँ, तो इसमें से कोई भी नहीं कर है। मुख्तलिफ समाज के ग्रुप के लोगों के बारे में बच्चों की सोच किस पर डिपेंड होती है? मुनासिब उनके सरपरस्तों की सोच पर, उनके हम तबका गुरु की सोच पर, यानी कि उनका तबका क्या सोचता है, दूरदर्शन के असरात पर। दूरदर्शन मतलब सिर्फ दूरदर्शन चैनल नहीं है, मास मीडिया के असरात, सकता उनके भाई बहनों की सोच पर। मुख्तलि समाज के जो ग्रुप के लोगों के बारे में बच्चों की सोच किस पर डिपेंड होती बस है? 102 का जवाब है फर्स्ट, बस उनके सरपरस्तों की सोच। मतलब ये इस तरह से जुड़ा हुआ, इससे पहले भी आया था कल जब हम पढ़ रहे थे, जो कि फ्रेड का हमने क्या देखा था, नजरिया रिलीजन का। तो फ्रेड के रिलीजियस के नजरिए पर ही मुनसिब है, जो हमने कल वीडियो डाले हैं। फ्रेड रिलीजियस थ्योरी डालना है और अजहरुद्दीन शेख लिख देना है, जिसको देखना है उसके बारे में। तो ये क्या था कि इससे पहले मिसाल बताई गई थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए किधर भी, उन्होंने बोले कि बुद्ध की पूजा क्यों कर रहे हो, समाज है जैसा कोई है। वो क्या कहेगा कि हमने पाया अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए, कि हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है, हमारी रस्म ये चढ़ रही, हमारे पास बरसी बाप दादा से बना रहे, बाप दादा के जमाने से ही कर रहे। तो उनके तबके के सोच के ग्रो पर नहीं है, क्योंकि जिस तबके के सोच रहेंगी तो उसमें रद्द बदल होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी एक मसला लेकर जाएंगे तो उलमा का इस पर क्या है बोलते हैं, इख्तलाफ है। इख्तलाफ मतलब राय में इख्तलाफ, तो तबका अलग नहीं हो जाएंगे। जैसे कि मुस्लिम समाज में जैसे कि जो अलग अलग जो बने हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा पढ़ता है कलमा, वो पूरा एक मुस्लिम तबका है। लेकिन उसके अगर मसाइल अलग है तो वो तबके की सोच एक जैसी नहीं है, लेकिन इख्तलाफ है। तो तबके की सोच एक जैसे रहना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग इसलिए करते वो अमल क्योंकि वो सरप्रस्त करते, दूरदर्शन देखकर नहीं, उससे तो अवेयरनेस फैलती है उल्टा। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि माँ बाप कर रहे तो हम भी करेंगे। भाई बहनों की सोच भी बदलती रहती है, नहीं कोई कोई धर्म को अपना लेता है, कोई कोई मेथड को, कोई कोई उलमा को मान लेता है। तो भाई बहनों की सोच मिलना भी नहीं, इससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेड के थ्योरी ऑफ रिलीजन से जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी जो आपने पढ़े थे सुनो, आपकी क्लास में एक कम जहन तालिबे इल्म को बैठने के लिए कहा गया है, तो आप उसको क्या करेंगे? उसे अपना तालिबे इल्म मंजूर करने से इनकार कर देंगे? नहीं, ये मेरा तालिबे इल्म नहीं है, कम जहन। सदर मुदर्रिस को उसे कम जहन तलबा की क्लास यानी मौजूदा क्लास में तलबा के साथ बिठाने के लिए कहेंगे। नहीं प्रिंसिपल को कहेंगे कि इसको एक अलग क्लास रखो, ऐसे तलबा को सिखाने के तरीके से सिखाएगी, सही, या इनमें से कोई नहीं, तुलबा को सिखाने के थर्ड तरीके से सिखाएंगे। तो 103 का क्या है? थर्ड है, बराबर थर्ड 103 का 3, कि ऐसे तुलबा को सिखाने के तरीके से सिखाएंगे। आप सिखाने का कौन सा तरीके से सिखाएंगे? मेथड्स ऑफ टीचिंग, के जो भी उसके लिए मौसर होगा, जिसमें बाला वगैरह हो सकता है, बिल्डिंग एस लर्निंग एड्स ऐसे बनाकर, मतलब मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, उसको समय बसरी जिससे भी समझ सकता है वो चीजों का, रिसोर्सेज की मदद लेंगे। तो ये मीटिंग का टाइम ही खत्म हो गया, और ऐसे अब हम, क्वेश्चन में सर आप सब क्या इंग्लिश हाँ, कोई नहीं करके कोई नहीं करके आ जाते क्वेश्चन, आ मतलब जाते पूरा सिर्फ सवाल पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, तो उसको समझना है कॉलेज पूरा इस तरह। हाँ, के बराबर। तो और जल्दबाजी नहीं करना है इसमें।